Hi friends, myself C.A. Hitesh Vadva, JP Sericulture. Today I am here to continue my last topic, that was production possibility curve. But your last topic mein humne padha production possibility curve kya hota hai, uske alag alag naam kya hote hain aur use kaise represent kara jata hai. Aaj hum usi ko aage continue karenge aur uske aage padhenge features of production possibility curve. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बच्चों तीन फीचर हैं, बुक्स में आपको जनरली दो मिलेंगे. पहला फीचर होता है इट इज अ डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व. अब मुद्दा आता है कि ये डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व क्यों है. तो ये डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व बच्चे इसलिए है बिकॉज ये इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेस लगा के अगर हम दो गुड्स बना रहे हैं तो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है. तो अगर हम एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो ये बात तो लाजमी है कि दूसरे गुड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए डाउनवर्ड फॉलिंग होता है. अगली चीज आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव. अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव क्यों है. देखो कर्व की बच्चों तीन शेप्स होती हैं, आइदर इट इज कॉन्वेक्स और इट इज कॉनकेव और इट इज स्ट्रेट लाइन. अब इनकी जो शेप होती है वो डिपेंड करती है इनके स्लोप पे. अगर किसी का स्लोप इंक्रीजिंग है तो वो कॉनकेव बनेगा, अगर किसी का स्लोप डिक्रीजिंग है तो वो कॉन्वेक्स बनेगा, अगर किसी का स्लोप कांस्टेंट है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. पर हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका स्लोप होता है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन से एमओसी आल्सो. सिंस एमआरटी एमआरटी इज रेशियो ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड. अब एमआरटी जो है वो बढ़ता जाता है, means we have to sacrifice more and more to attain to produce additional unit of other commodity, इसीलिए इसकी shape concave हो जाती है. Third point बच्चों, PPC show fuller utilization of resources. PPC एक ऐसा curve है जो show करता है कि अगर economy के सारे resources लगा दिए जाएं तो हम क्या चीजें produce कर सकते हैं अगर हम उन्हें fully utilize करें. Thank you बच्चों, this was features of PPC. Please like, share and subscribe JP Sericulture. Thank you.